नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां नपुर के सरखेड़ा में बीजेपी नेता को नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता बिरछू तारम पूजा करके घर लौट रहे थे, वही रात को 8:30 बजे के आसपास रास्ते में घेर कर नक्सलियों ने गोली मार दी। वो दिन भर पार्टी के मोहल्ला कार्यक्रम में उपस्थित थे। चुनाव के समय हुई इस घटना से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। बीजेपी के पूर्व मंडल और बीजेपी के महामंत्री बिरछू तारम की छवि कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में थी। घटना मानपुर विकास खंड के औधी थाना क्षेत्र से 4 किलोमीटर दूरी पर सरखेड़ा गांव में घटित हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि रमन सिंह बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वायरल वीडियो में पूर्व सीएम को बसना से बीजेपी प्रत्याशी संपत अग्रवाल के खिलाफ ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो पैसे की गर्मी दिखा रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो का सच जानने से पहले ये जानना बेहद ही जरूरी है कि पूरे वीडियो में आखिर रमन सिंह ने ऐसा क्या कह दिया है, जिसे सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया जा रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के बीच तकरार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं। इसी बीच खबर ये आ रही है कि पूर्व सीएम रमन सिंह का नामांकन दाखिल करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की इस सक्रियता पर कटाक्ष भी की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी खूब जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। इसी की कड़ी में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें जेल में बंद नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया शामिल हैं। वहीं आप ने शुक्रवार को अपने 37 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और अन्य पार्टी नेताओं के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि संजय सिंह और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, जिनका नाम सूची में तीसरे और पांचवें स्थान पर है, फिलहाल वो कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।